ये जो गाड़ी हम देखने आज आ गए हैं ना, ठीक है, आज डिसाइड हो जाएगा कि हमारा दिल टूटेगा कि आज गाड़ी फाइनल होगी। गाड़ी साढ़े सामने खलोती है। शेबी भाई, व्हाट डू यू से? गाड़ी साफ है, साफ है, बहुत साफ। लेट्स डू दिस। ओए ये जो दिल में कयाम करते हैं यही जीना हराम करते हैं। मगर खामोश रहता हूँ मोहब्बत कर जो बैठा। इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम, मैं भूल गया था मैं ब्लॉग कर रहा हूँ गाइस। अभी याद आया आपको? तो गाइस आपको बताना ये था कि ये जो फोन हमारे पास है आज इससे हमारी जान छुट जाएगी, क्योंकि हमारे अमीर फ्रेंड्स ने हमें जो सलामियां दी हैं उससे हमने अपना फोन पीटीए करा लिया फाइनली। शक्लें भी उतर गई हैं भाई। तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप मारोगे सलामियों से, हमने फोन पीटीए करा लिया। तो अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने हमें बड़ी बड़ी सलामियां दी, हमारा फोन पीटी हो गया। थैंक यू सर। और ये मेरा फ्रेंड सलामी विनर गाइस, सलामी विनर शामिक पति बेह रहे हो गाइस नवी लाइन। रुक जा यार, मैं हर जगह बाकी लग रहा हूं। खा बेटा रहने दे, बाकी सारे ओ मरे चीटे आउंदे हो बच्चियो, गाड़ी चेक करो। ए गाड़ी ले ली, रिम चेक करो। बस इज इट फॉर सेल? यस सर। बेचनी है भाई? कितने की देनी है भाई यार? आप ले ले वैसे। यार देखे ऐसी ने नहीं ना बेचनी होती, ऐसी कहना है। ठीक है माशाल्लाह, फुल टाइम। ये माफिया सीन हो सकता है इसका भी, है ना? हाँ ओए चला जाए, मेरे अंकल का घर है ये। पर उस्ताद जी जो तो पिंड जाना है तो अपना समान कितने रखा करेंगे? ओके आप बात है फिटमेंट, मैंने गाड़ी लाइव देखी है यार। बहुत ही गुसारा लग रहा है जी जी, इतों एक ब्रांड की वीडियो शूट करने जा रहा है। तो रोजा भी है, तो सुबह सुबह का टाइम है, तो गर्मी भी है। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम पे वो वीडियो मिलेगी। जरा सिनेमाटोग्राफी थोड़ी सी करके आने आज, उसके बाद आज होपफुली हम जो है वो दो नहीं तो एक, दो में से एक गाड़ी देख के आएंगे कि को पसंद आती है या क्या सीन होता है, क्योंकि अभी तक मर्सिडीज में बैठ के भी नहीं देखा भाई ने। और जो मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश ये है कि आपका भाई जो है ना पहली टेल पहली ड्रिफ्ट अपनी गाड़ी लेगी उसमें मारेगा। ठीक है, किसी से गाड़ी मांग के वो हम सीन नहीं करेंगे। 210 और टैंक दोनों में से, या दोनों होगी या एक होगी। लेट्स गो। गाड़ी के टेंट्स के साथ भी कुछ थोड़ा सा हमने काम करना है। एक नई कोई चीज़ आई है, टेक्नोलॉजिकल नैनो कूलिंग फिल्म जो हमने अपनी गाड़ी पर इंस्टॉल करके देखनी है। गर्मी शर्मी है तो मैं कह रहा एक नई इनोवेटिव चीज़ है तो इसको इंस्टॉल किया जाए और फिर देखते हैं कि क्या सीन होता है। तो लेट्स गो। अच्छा अभी अगर आप देख सकते हो कि फ्रंट हमारा बहुत क्लियर है, वेरी गुड। मतलब अगर बाहर से आप देख रहे हैं तो आपको अंदर नज़र नहीं आएगा, अनलेस और अनटिल ये आपकी जो एम्बिएंट लाइट है या रूफ लाइट सही हो, अंदर रोशनी होती है, फिर थोड़ा सा ना फ्रंट से नज़र आ जाता है। तो उसके बाद साइड वाले यू नो गुड विजिबिलिटी रात को भी बन गए, बट ये हो चुके हैं फेड क्योंकि ये तकरीबन पिछले साल के लगे हुए हैं। सो इनको हमने रिफ्रेश कराना है, गर्मी शर्मी आ रही है। ठीक है, इस टाइम मैं एसी बंद किया तो मैं जा रहा तो मेरे हाथ धुप पै रही है अच्छी खासी, एज यू कैन सी। सो टेंट्स को हम रिफ्रेश करा लेंगे, लेकिन वो जो कूलिंग फिल्म एक आई है वो लगाएंगे। वो लगाने के लिए ऑब्वियसली आपको टेंट्स उतारने पड़ते हैं, सो वो लगा के उसके बाद हम उसके ऊपर जो है वो दोबारा से टेंट्स रिफ्रेश करा लेंगे, तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे यार ज़रा अंदर ज़रा डैशबोर्ड है ना सारा काला शाह ऐ प्रोटेक्टेड रहे, गर्मी शर्मी है जरा ना सीन जरा। वैसे तो हमने कपड़ा शपड़ा फुल डाल के रखना करना है गाड़ी पे फुल टाइम, इवन के शेड में भी खड़ी हो, गैराज में भी खड़ी हो, फिर भी, बट स्टिल हम जो है वो नई चीज़ है, चलो लगा के देखते हैं। तो पहले फटाफट से वो लगाते हैं, उसके बाद गड्डियाँ वेखा गए, गड्डियाँ वे रशियन माफिया। ठीक है आगा भाई, फिर ऐसे ही जाया करेगा, ऐ इधरों इधर इधरों इधर।
अच्छा जी बॉस, सीन ये कि इस फिल्म को काम करने के लिए पहले हमें टेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि उस फिल्म का जो मकसद है वही ख़त्म हो जाएगा अगर टेंट्स लगे रहेंगे। तो फ्रंट स्क्रीन और ये जो साइड वाली चाह रहे हैं ये मैं रिमूव करवा रहा हूँ इसको चेक करने के लिए कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, नैनो कूलिंग। सीन ये है कि हमने सिर्फ अगले दरवाज़ों के टेंट्स हटाए हैं और अगली तीन स्क्रीन्स पे दो दरवाज़ों की एक फ्रंट, सिर्फ इनको लगा के देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या सीन बनता है। पिछले भी टेंट्स हमने रहने दिए, सो लेट्स सी कि हाउ इफेक्टिव दिस इज। डू यू लाइक दिस कलर? क्या क्या बोला तूने? डू यू लाइक दिस कलर? हां, गुड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लो जी, इनको भी हमारी खड़ी का ना कलर पसंद आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने नैनो फिल्म्स लगवाई हैं जी। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू अगर आपको दूँ तो ये कुछ हद तक इफेक्टिव है। ठीक है, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं कि धुप नू जनाब एन जी बिल्कुल ही माइनस कर देगा, गर्मी आपके शीशों पे आएगी, बट नॉर्मल शीशों से, क्योंकि इसकी थिकनेस अच्छी खासी है। सो अगर किसी ने लगवाने हैं तो यस, दीज आर इफेक्टिव। और इसके ऊपर मैं टेंट्स लगवा रहा हूँ तो जाके, क्योंकि हम ज़रा ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते, तो वो भी आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि इस शीट के ऊपर मजीद पर टेंट्स लग सकते हैं कि नहीं, वो कैसे रहते हैं। सो से दूजी गल भाई जान है कि सानू मर्सिडीज़ वाले ने भाई ने हले टाइम नहीं दिया, तो उनके पास हम शाम को जाएंगे। अभी हमें आ रही है फुल टाइम नींदर, वो नींदर बोले तो साइड रहा था आपको भाई, फेवर करता रहा फेवर, डॉलर भी तो लेने ने ना, गड्डी नहीं लेनी, गड्डी वास्ते पैसे नहीं जोड़ने। तो सुबह सुबह उठ के भाई इधर आ गया, भाई को नींदर आ रही है, रोज़ा टका के लग रहा है सही, जामे शीरी वाला वो जो रूफ सा ठंडे वाला ना रोज़ा लग रहा है इस टाइम। अभी 6 घंटे पड़े हैं, तो आप उन फटाफट घर पहुँचेगा, सोएगा, उठ के फिर आपको गाड़ी दिखाते हैं। ओके फिर, टेक केयर, गुड नाइट। Many unbearable hours later. Okay, जी भाईजान, ये जो गाड़ी हम देखने आज आ गए हैं ना, ठीक है, आज डिसाइड हो जाएगा कि हमारा दिल टूटेगा कि आज गाड़ी फाइनल होगी। तो गाड़ी बहुत पसंद है, लेकिन कभी भाई ने बैठ के चला के ना चेक नहीं की अभी, सो स्टे ट्यून्ड। बॉस इधर आओ ना, गाड़ी साढ़े सामने खलोती है, ये भी भाई बड़ी उसे गाड़ी साफ है, साफ है, बहुत साफ, अच्छी लग रही है ना, फोटोज में कुछ और ही नज़र आता है, बट आई लाइक दिस यार, लेट्स डू दिस। ओए जिस तरफ देखूं मुकाम हो नजर आए, कुछ नजर ना आए जब तू नजर आए, आहा। बोस स्वाद है, ठीक है, और अभी तक हम कुछ भी नहीं चला रहे, इन शॉर्ट कहा जाए तो, वो देख रहे हो, पिक देख रहे हो, पिक देख रहे हो। तो पहली गाड़ी थी हमारी ये, पहली जो हमने बैठ के देखा है मर्स के अंदर, बेंज माफिया, तो वाइब्स तो है गाड़ी के अंदर। अब थोड़ा सा देखना है कि भाई के साथ डील शील हमारी बनती है कि नहीं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बात बढ़ गई है गाइस, बात बढ़ गई है। तो सीन ये है कि ना, गाड़ी पहली दफ़ा आपको भाई बैठा है, और जर्मन फील हमने ली है, ज़रा जितनी वीडियोस देखी थी और जो भी लोगों के इमोशंस थे इस गाड़ी के साथ, उनको ज़रा हमने फील करने की कोशिश की है। तो यार बहुत मज़ा आया, ठीक है, एग्जैक्टली जो चीज़ भाई ने सोची हुई थी ना, एग्जैक्टली वही चीज़ है, और इस गाड़ी को करने का बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मतलब मैं यही चाह रहा था कि यार गाड़ी को करने से पहले ना एक एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और एक छोटा सा विजन होता है हमारा कि इस गाड़ी को मैं कैसी बनाना चाह रहा हूँ। तो वो जो था उस गाड़ी को लेके जैसा जज किया था वैसा ही है, और इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। हमारी डील ऑब्वियसली अभी नहीं हुई, क्योंकि अभी बड़े अच्छे भाई थे जिन्होंने हमें गाड़ी अपनी जो है ना वो टेस्ट कराई, प्रॉपर जो ना बताया। अब ये जो वेरिएंट भाई जान हमने देख ली है ना गाड़ी का, ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट उस मॉडल का, और होता है ना कि पहली ही चीज इतनी अच्छी देख लो, दूसरी देखेंगे तो फिर कंपेयर करेंगे तो फिर वो बड़ा सीन होगा। तो अब ऑब्वियसली जो चीज अच्छी हो, इतनी पुरानी गाड़ी में जो साफ गाड़ी होगी थोड़ी बेहतर होगी, वो महंगी होगी, तो लेकिन हमने स्वैप सूप करने हैं, हमें कम अज कम V8 चाहिए गाड़ी में, ठीक है, उसमें V6 ऑलरेडी है, अच्छा खासा पावरफुल इंजन है, ठीक है, बट यू नो V8 एटलीस्ट V8, उसको फिर हम जितना ट्यून कर सकते आगे थोड़ा सा, तो वो बाद की बातें। तो ये चक्कर है भाई अभी, ठीक है, आज ये हुआ हमारे साथ, लेकिन गाड़ी फाइनल कर ली है मैंने, गाड़ी यही चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी,
अभी ये है कि अभी मैं टैंक में भी नहीं बैठा, पता नहीं कि यही फाइनल की है हमने भी या नहीं। यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। स्वाद आएगा बॉस, मर्स मर्स मर्स। तो अब चूंकि ईद आ गई है, जट फिर खेतों में कस टाइम है, ठीक है, हम निकल रहे हैं गाँव, गाँव से फिर आते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से हम जो है ना रिसर्च और अपनी सर्च शुरू कर देंगे गाड़ी के लिए इंशाल्लाह। मतलब आप आज बड़ी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि मजा आने वाला है इस प्रोजेक्ट का, इंशाल्लाह मजा आने वाला है। सो विश मी लक एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड। चंगा, ओके बाय।